आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिव की नगरी, मध्य प्रदेश कहा जाए या संपूर्ण देश कहा जाए, शिव की नगरी माना जाता है सिवनी को। सिवनी में पुण्य सलिला बैनगंगा उद्गमित हुई है, यहाँ से बैनगंगा निकली है। सिवनी से कुछ दूरी पर मुंडारा से बैनगंगा का उद्गम हुआ है। बैनगंगा का उद्गम स्थल मुंडारा को माना जाता है। मुंडारा से बहुत पतली सी धार में माता प्रवाहित हुई हैं और माता का ये लखनवाड़ा घाट सिवनी से छिंदवाड़ा मार्ग पर स्थित है। लखनवाड़ा घाट लगभग सिवनी से ये कहा जाए 7 किलोमीटर दूर है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितृमोक्ष अमावस्या पर माता बैनगंगा की महाआरती का आयोजन किया गया, भव्य महाआरती श्रद्धा भाव के साथ। आप देख सकते हैं महाआरती का आयोजन किस तरह किया गया है। विद्वान आचार्यों की उपस्थिति में महाआरती का आयोजन और दीपदान यहां पर संपन्न हुआ। बैनगंगा का ये लखनवाड़ा तट आने वाले 4-5 सालों के अंदर ये लखनवाड़ा तट सिवनी शहर में शामिल हो जाए तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सिवनी शहर के अंदर से बैनगंगा माता प्रवाहित होंगी। पुण्य सल्ला बैनगंगा, बैनगंगा माता के लखनवाड़ा घाट पर महाआरती, शंख भी फूका जा रहा है और आरती भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। महाआरती का आयोजन, महाआरती के साथ दीपदान भी यहाँ पर आपको, यहाँ जितना सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देख सकते हैं पानी में यहाँ पर दिए प्रवाहित किए जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हरिद्वार में माता गंगा की साक्षात आरती हो रही हो। बैनगंगा माता, माता गंगा माता के, गंगा मैया के समतुल्य ही, वैसे समतुल्य तो नहीं कहा जाए, पर यहाँ सिवनी के लिए बैनगंगा माता गंगा से कम नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये यहाँ से प्रवाहित हो रही हैं, मुंडारा से प्रवाहित हुई हैं। और दरअसल पिछले 3-4 दशकों में बैनगंगा माता के, पुण्य सलिला बैनगंगा के देखरेख के अभाव में नदी काफ़ी हद तक उथली हो चुकी है। इसके गहरीकरण की आवश्यकता है और इसके साथ ही अगर हर 10 किलोमीटर पर या हर 15 किलोमीटर पर एक छोटे छोटे स्टॉप डैम बना दिया जाए तो बैनगंगा नदी का पानी 12 महीने लोगों को मिल सकेगा। कितना सुंदर नयनाभिराम दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। SB फोटोग्राफी के द्वारा ये सारे फुटेज उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए ऊपर से ड्रोन कैमरे से ये फोटोग्राफी की गई है। कितना सुंदर नयनाभिराम दृश्य आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। माता बैनगंगा, पुण्य सलिला बैनगंगा, जीवन दायिनी बैनगंगा। आज युवा पीढ़ी इस बात से अनभिज्ञ होगी, युवा पीढ़ी को यह नहीं मालूम होगा कि सिवनी शहर को एक समय में पेयजल प्रदाय किया जाता था इसी पुण्य सलिला के इसी घाट से। बैनगंगा घाट के मुहाने पर एक स्टाप डैम बना हुआ था और उस स्टाप डैम के जरिए सिवनी शहर में पेयजल की आपूर्ति की जाती थी और तब इकलौती पानी की टंकी हुआ करती थी टिग्गा मोहल्ला में। ऊपर एक पानी की टंकी थी और दोनों समय आपको आश्चर्य होगा सुबह और शाम पर्याप्त नल आया करते थे। अब जब साधन विकसित हो गए, करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो गए हैं कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में, उसके बाद भी सिवनी के नागरिकों को 2 समय छोड़िए एक टाइम भी पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर कितना सुंदर रात का दृश्य दिखाई दे रहा है माता बैनगंगा का। लाइट
आरती सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। बहुत लोगों के द्वारा एसबी फोटोग्राफी को के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया गया इस सब फोटोग्राफी के कारण। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बहुत ही सुंदर नज़ारा, इतना बेहतरीन नज़ारा दिखाई दे रहा है रात का ये मनोरम दृश्य। 2 अक्टूबर बुधवार 2024 का ये नज़ारा और माता बैनगंगा की आरती होते हुए, और देखिए कितनी किस तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे होंगे, किस तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आरती कर रहे हैं। इसके अलावा एक बात और, विद्वान आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ इसे संपन्न कराया जा रहा है, जो सबसे अहम बात मानी जा सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इसके पूर्व सुबह से हमने आपको पूर्व में दिखाया, अन्य खबरों में दिखाया कि सुबह से किस तरह से यहाँ पर पितृमोक्ष अमावस्या पर पितरों का तर्पण पिंडदान आदि विद्वान आचार्यों की उपस्थिति में संपन्न कराया गया था, और शाम को भंडारे का आयोजन भी किया गया था। भंडारे के बारे में भी हमने आपको दिखाया, भंडारे की खबर भी पृथक से दिखाई। हमने आपसे कहा था कि रात को पुण्य सलिला बैनगंगा की महाआरती और दीपदान के दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार हम आपको ये सारे दृश्य दिखा रहे हैं, कितना सुंदर नयनाभिराम मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। पारंपरिक वेशभूषा, जो वेशभूषा है वो भी पारंपरिक है, और पारंपरिक रूप तौर पर आरती का आयोजन भी यहाँ पर होता हुआ आपको दिख रहा होगा। जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों का पूरी तरह पालन करते हुए, इसके साथ ही आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग यहां पर सेल्फी ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहां पर जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उसको भी बनाकर पिछले 2-3 दिनों से पूरा सोशल मीडिया इस महाआरती पितृ तर्पण पिंडदान भंडारे से अटा पड़ा है। बहुत सुंदर नज़ारा, एक बार फिर आप देखिए बैनगंगा के लखनवाड़ा तट का। सांसद और विधायक अगर ठान लें और राजनैतिक नफा नुकसान छोड़कर अगर वे इस ओर ध्यान लगाएं तो निश्चित तौर पर बैनगंगा का लखनवाड़ा घाट स्वर्णिम बन सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। नई जानकारी लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।